कोई सरकार नहीं है, इसलिए कोई आदेश जारी होने का सवाल नहीं पैदा होता। वो सरकार की मंशा के अनुरूप उनको लगता है कि हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। जो जिस प्रकार अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में, रायपुर में और आसपास जो अवैध कब्जे थे, प्रशासन समझ गया है कि आने वाली सरकार इस प्रकार के अवैध कब्जे और अवैध धंधे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ये प्रशासन सरकार बदलते ही अपने रवैये में परिवर्तन ला रहा है, अच्छी बात। अब ये चूंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और सारे वरिष्ठ लोगों की व्यस्तता भी है, और एक दो दिन में सबको मालूम है कि विजय के बाद विजय जुलूस और बाकी लोगों में व्यस्तता रहती है, मुझे लगता है दो तीन दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि ये परिस्थिति बनेगी। जो महादेव एक का मामला था उसकी जांच उनके ओवरसी तक पहुंची थी, क्या पूरा सीएमओ के जो अधिकारी है ये सारे अधिकारी जाँच के दायरे में आ सकते हैं, क्या उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो जाएगी? पूरा का पूरा सीएमओ का जो कार्यालय था वो संदेह के घेरे में था, जो चार्जशीट फाइल थी ईडी की उसमें तमाम अधिकारियों का बाकायदा जिक्र था कि किस तरह से पैसे ऊपर तक पहुंचे। देखिए महादेव, एक बड़ा स्पष्ट मामला है, ईडी ने सारे मामले को देखा है, जांच किया है और पूरे प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार बदल गई है तो सरकार बदलने के बाद ईडी की वो प्रक्रिया या महादेव वेप या भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें रफ्तार आएगी, गति आएगी। सरकार का भी इस पूरे मामले में जितने तेजी के साथ इसका निराकरण हो सके करने का नई सरकार प्रयास करेगा, जो भी मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। सर, ये गठन सरकार की प्रक्रिया कब तक हो जाएगी? इसको कहां देख रहे हैं आप, कहां रहेगी राजनीति में कांग्रेस? पूर्वानुमान लगाने में चूक हुई है और कांग्रेस ने जिस प्रकार 5 साल सरकार चलाया है, उनकी जिस प्रकार से नीयत और नीति रही है, उस सरकार को जाना ही था। जनता ने पूरे छत्तीसगढ़ में इस सरकार के खिलाफ वोटों के द्वारा अपना आक्रोश को प्रकट किया है, इनके कार्य पद्धति पे आक्रोश प्रकट किया है, इनके तानाशाही, इनके घमंड के प्रति विरोध प्रकट किया है और पूरी तरीके से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नकार के दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर सर आपका नाम ही और इसमें काफी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते, और ऐसे कार्यकाल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो, अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। ये आप